मैं हूँ नैना, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मेरे चैनल का नाम है लखनवी कपल। आज मैं आपके लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट या कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं एक आपके लिए डिश लेकर आई हूँ जो कि बहुत इजी टू मेक है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। आपको उसमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं लगने वाला है, आप झटपट उसको बना सकते हैं। बच्चे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और बच्चे क्या, बड़े भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी बन जाएगा, और उसके लिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ भी नहीं चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं उसका नाम ही शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते भी हों, बट आप सब जानते ही हैं कि मैं चीज़ें बनाती हूँ या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं देसी पटेटो स्विस रोल। आई होप आपने नाम पढ़ा भी हो ना भी हो, तो जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो चलिए आज हम इसका देख लेते हैं कि ये कैसे बनाएंगे, और फिर से नाम आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, देसी पटेटो स्विस रोल। ठीक है, तो मैं नाम तो वैसे भी मेंशन करूँगी ही करूँगी, आपने उन्हें नाम देख भी लिया होगा अभी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे ये बनेगा। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 1 कप मैदा फ्लोर, और 2 बड़े चम्मच मैदा हमें फेंटने के लिए, इसका बैटर बनाने के लिए, जिसको हम इसका बैटर बनाएंगे। 2 हरी मिर्च कटी हुई बारीक, 2 प्याज कटे हुए बारीक, थोड़ा सा घी और अजवाइन और थोड़ा सा नमक। ये सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। इसने साइड किया और हमने मैदे को डाला पूरा। ये मैदे को डालने के बाद इसमें अजवाइन हल्की सी डाली, जैसे समोसे का हम आटा सानते हैं, सेम इसको वैसे ही टाइट टाइट सानना है। और इसमें अजवाइन डाल दी, अजवाइन के बाद थोड़ा नमक डाल दिया हमने इसमें। नमक डालने के बाद इसमें हल्का सा 2 चम्मच घी डाला। घी डालने के बाद इसको बढ़िया से अपना गूंथ लेंगे। घी डालने के बाद इसको बढ़िया से हम गूंथ लेंगे, एकदम कम कम पानी डालते हुए, एकदम टाइट आटा इसका सानना है। तो गाइस हमारा आटा सन गया है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट नहीं है ये, एकदम टाइट है, और ऐसे ही टाइट डो हमको चाहिए जैसे समोसे का होता है। और अब हम इसको साइड में रख देते हैं, और हमने 2 बॉयल आलू लिए हैं जिनको हमने बढ़िया से मैश कर लिया है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे हम लोग, हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा प्याज डालेंगे जो हमने बारीक करके चॉप रखा है, बताया था आपको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ये डिश। और हल्का सा इसमें नमक डालेंगे हम, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ये रेसिपी बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चे के लिए ही है मेन, बच्चों के लिए। अगर आपको थोड़ा चटपटा खाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर हल्का सा डाल सकते हैं इसमें, ये हम लोग को खाना है इसलिए मैं हल्का सा लाल मिर्च डाल रहा हूँ। इसको बढ़िया से मिला लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। तो गाइस अब हम लोग इसकी 2 का 1 बढ़िया सी पेड़ी बनाएंगे। पेड़ी बनाने के बाद इसको बढ़िया से हम बेल लेंगे, आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप बेल लीजिए। बेलने में दिक्कत होगी क्योंकि ये बहुत हार्ड है, लेकिन बढ़िया से इसको बेलिए, तो जितना हो सके उतना पतला कर दीजिए। और हमने इसको बेल लिया है, आप इसको बढ़िया से हम इस अपने बैटर को इस पे पूरे पे लगा देंगे, जैसे आलू पराठा भरते हैं, इसे भरना नहीं, इसको पूरे पे लगा देना है, जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं वैसे।
पे रखा बढ़िया से, इसको फैला फैला के। अच्छे से बेल लिया है, अब इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके रोल करना है आपको बढ़िया से, ऐसे करके रोल कर दीजिए आप। कैसे रोल करते हैं और थोड़ा इसको सही करने के लिए थोड़ा दबा दो, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब इसको चाकू की सारी सारी काट लीजिए ऐसे करके इस शेप में। काट लें उसके बाद ये देखिए रोल पूरा, जैसे आप स्विस रोल करते हैं और खाते हैं वैसे रोल की तरह हो जाएगा। तो उस तरह पूरा ऐसा लगेगा कि डिज़ाइन इसमें बन गई, अंदर आलू है, लाइन बनी। इसको हल्का सा शेप दे दीजिए, आपको जैसा देना है, गोल देना है, चौकोल देना है, आप चौकोल भी दे सकते हैं, ऐसे गोल दे सकते हैं। और अब एक दो चम्मच जो हम लोगों ने मैदा लिया था उसको बढ़िया से पानी डाल के आप वो कर लीजिए, घोल लीजिए। इसका घोल ऐसा रहेगा कि इसमें गट्टे ना पड़े और सिंपल बस इसको गाढ़ा गाढ़ा, जैसे आप पकौड़े के लिए काम करते हैं बेसन को, सेम वैसे इसको करना है। बढ़िया से इसको घोल लीजिए, इसको इसका बैटर है ये, हम इसको इसमें मिला के ही फ्राई करेंगे। इसको डायरेक्ट हम फ्राई कर सकते हैं तब भी अच्छा होगा, लेकिन अगर हम इसमें मिला के फ्राई करेंगे तो इसकी बाइंडिंग बन जाएगी जिससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। आप आटे से भी बना सकते हैं, घर में मैदा नहीं है तो आप आटे से बना सकते हैं, ये सेम मैदे का आटा यूज। अब हमारा ये बैटर बन गया है और एक कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। तेल को ज़्यादा तेज नहीं रखना है, एकदम मीडियम आंच पर रखना है, और अगर तेज़ रखेंगे तो ये बढ़िया से पकेगा नहीं। इसको चेक करने के लिए इसमें हल्का सा हम वो डालते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं घी में। इसी तरह आपको ये डाल के चेक कर लेना है, उसके बाद अपना जो बेटा इसको इसमें डालना है, इसको पलटना है, पलटने के बाद इसको बढ़िया से निकालना है और तेल में डाल देना है। आँच इतनी ही रहेगी, आँच उससे तेज नहीं होगी। ये सब डाल दिए हैं, अब इसकी आंच अब तेज करना है आपको, और उसके बाद इसको टच नहीं करना है अभी, अपने आप ये धीरे धीरे फ्राई होने लगेंगे। गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब इनको बढ़िया से निकाल लेते हैं। गाइज आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी वीडियो, कैसा आपको लगा ये हमारे रोल, प्लीज़ उसको बताइएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए लोगों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.